एसएल मेडिकल कॉलेज में बन रही सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का लगभग कार्य पूरा होने को है। आपको बता दें, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में ही मरीजों को अच्छा इलाज मिलेगा। आपको बता दें, बिल्डिंग की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि बंदर अंदर नहीं हो सकेंगे। एसएल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। जो आगरावासी इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो जल्द वो ख़त्म होने वाला है। आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास के जो जितने भी लगे हुए राज्य हैं और जो आसपास के जो मंडल हैं, खासकर यूपी वेस्ट तक के मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। ये बिल्डिंग बहुत जल्द शुरू होनी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, ये बिल्डिंग को दिखाएं किस तरह इसमें बिल्डिंग में काम चल रहा है। और इस पूरी बिल्डिंग को मतलब पूरा एयर कंडीशन के तहत बनाया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग में एयर कंडीशन लगे हुए हैं। मतलब कहीं भी मतलब ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ पर जो है एयर कंडीशन की सुविधा ना हो। साथ में ही पूरी बिल्डिंग को पूरा कवर्ड किया गया है। आप देख रहे हैं, जो विंडो भी लगाई गई है पूरी कांच की और लोहे के, उसमें गेट लगाई हुई। साथ में इस बिल्डिंग को इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें जो है मतलब अगर कोई हादसा भी होता है तो उसमें दो रास्ते बनाए गए हैं। चाहे लिफ्ट की सुविधा की बात करें, चाहे सीढ़ियों की बात करें, मतलब ऐसे कई सारे रास्ते बनाए गए हैं। अगर कोई हादसा होता है तो मरीज़ को तुरंत बाहर निकाला जा सके, चाहे वो किसी भी मंजिल पर है। साथ में इस बिल्डिंग की सबसे खास बात है कि इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो है एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही है, जहाँ पर जो क्रिटिकल जो मरीज़ों को भी लिफ्ट के ज़रिए ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। वाहन खड़ी करने की जो पार्किंग है वो इसके अंडरग्राउंड में दी गई है। लगातार ये जो हम जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और मरीजों को इलाज, मेडिसिन और जो है सर्जरी की सुविधा यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन प्रताप के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।